सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ आरआरबी जेई सीवीटी 2 का जो रिजल्ट आया दोस्तों, फाइनल आंसर के आने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपका वीडियो बना के लाया हूँ। दोस्तों कितने आपके ऑब्जेक्शन करे किए गए उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका सर्वे के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आया दोस्तों की कितनी कट ऑफ आपकी सभी की उनकी अलग अलग जा सकती है दोस्तों, उसके बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ इसमें 4 से 5 नंबर का अंतर रह सकता है, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट्स आते हैं और उन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे उन्हीं नंबर के बेसिस पे हम आपके सामने कट ऑफ लेके आते हैं। तो कुछ नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, उस बात का ध्यान रखें। आपको इस कट ऑफ से सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, इसके आसपास हमारा स्कोर है तो हमारा होने के कुछ चांसेस हैं, और अगर इससे ऊपर हमारे नंबर है तो हमारा 100% हो ही जाएगा, तो इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या रहने वाले कट ऑफ। ये कट ऑफ है दोस्तों, ये जो आपके मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये आपके मार्क्स रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स कितने भी बढ़ सकते हैं, तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये आपके रॉ मार्क्स हैं जो कि आप अपनी कॉपी में लेके आए थे, तो सिर्फ उसी को ध्यान में रखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी जोन की कट ऑफ देख लेते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये कट ऑफ है दोस्तों, ये जोन वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। जोन टोटल सीटें जनरल की, ओबीसी, एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप की। चलिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखें दोस्तों, इस कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का अंतर हो सकता है, क्योंकि कुछ ही बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं हमारे मार्क्स कितने हैं, उसके बेस पर हम वीडियो बनाते हैं, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। सिर्फ आपको इन कट ऑफ से एक आइडिया लेना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद जोन की, तो वहाँ 1446 कुल लगभग सीटें थी। जनरल की अगर कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, पेपर कुछ ज़्यादा ही ईजी आ गया था दोस्तों, ठीक है, तो कुछ जगह पर ईजी आया था, कुछ जगह पर हार्ड आया था, हालांकि ज़्यादा जगह पर ईजी हार्ड नहीं आया था, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप मान के चलिए दोस्तों 91 नंबर की कट ऑफ जनरल की जा सकती है इलाहाबाद जोन से, ओबीसी की 85, एससी की 81, एसटी की 74 और फिजिकली हैंडीकैप की 70 तक जा सकती है। और जो भी आपको पता है, मैंने पहले हर बार बोल रहा हूँ कि 4 से 5 नंबर का अंतर रह सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अहमदाबाद की बात करें तो 399 कुल सीटें, यानी कि लगभग 400 सीटों पर जनरल की 89, ओबीसी की 84, एससी की 81, एसटी की 79 और फिजिकली हैंडीकैप की 72 तक कट ऑफ जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर अजमेर जोन की बात करता हूँ मैं, अजमेर जोन में दोस्तों 825 कुल सीटों पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था दोस्तों, 91 कट ऑफ जा सकती है, 83 ओबीसी की, एससी की 81 और एसटी की 70, फिजिकली हैंडिकैप की बात करें तो 63 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। बेंगलोर जोन में दोस्तों 708 सीटों पर 87 जनरल की, ओबीसी की 84, एससी की 80, एसटी की 70 और फिजिकली हैंडिकैप की 70। दोस्तों आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, जिन लोगों के हमारे पास कमेंट आए हैं उन्हीं के बेस पर हमने कट ऑफ बनाई है, तो और जिन लोगों की कमेंट, हालांकि जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स हुए अगर उन्होंने हमारे पास कट ऑफ नहीं, अपने मार्क्स नहीं भेजेंगे तो हम कट ऑफ उनकी शामिल नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आए हो जरूर इस वीडियो में शेयर कीजिएगा दोस्तों, सभी अपने अपने मार्क्स शेयर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों अगर भोपाल जोन की, 708 सीटों पर जनरल की 87, ओबीसी की 84, एससी की 80, एसटी की 75 और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी 70 जा सकती है। भोपाल जोन में 383 सीटों पे 200 जनरल की 88, ओबीसी की 87, एससी की 78 और एसटी की 75 जा सकती है, फिजिकली हैंडीकैप की 69 तक कट ऑफ जा सकती है। बात करें बिलासपुर जोन की तो 460 सीटों पे जनरल की 86 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की 84, एससी की 79, एसटी की 76 और फिजिकली हैंडीकैप की 68 तक कट ऑफ जा सकती है। भुवनेश्वर जोन में दोस्तों 242 सीटों के ऊपर दोस्तों 81 जनरल की, 86 ओबीसी की, 82 बात करें तो एससी की जा सकती है, 79 एसटी की और 72 फिजिकल हैंडीकैप लोगों की जा सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं चेन्नई जोन से, 11 दोस्तों भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं तो 242 यानी कि भुवनेश्वर जोन में 242 सीटों पर 87 जनरल की, 86 ओबीसी की, 82 एससी की, 79 एसटी की और 72 फिजिकली हैंडीकैप की। चेन्नई जोन में दोस्तों 11083 कुल सीटों पे 88 जा सकती है जनरल की, 84 ओबीसी की, 77 एससी की, इसी तरह 70 सीटें दोस्तों एसटी की जा सकती है 70 कट ऑफ और 65 फिजिकली हैंडीकैप की। बात करें चंडीगढ़ जोन की तो 2996 यानी कि लगभग 1000 सीटों पे 92 सीटें जनरल की, 292 कट ऑफ जनरल की जा सकती है, एससी ओबीसी की बात करें तो 87, एससी की 79, एसटी की 76 और दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप की 66 जा सकती है। गोरखपुर जोन में दोस्तों 645 टोटल सीटों पे 90 दोस्तों जनरल की, 87 ओबीसी की, 79 एससी की, 73 एसटी की और 68 फिजिकली हैंडीकैप की जा सकती है। गुवाहाटी जोन से दोस्तों
556 कुल सीटों पर 89 दोस्तों जनरल की, 84 एसटी की ओबीसी की, 77 एसटी की, 74 ओबीसी की और 67 दोस्तों जा सकती है आपकी फिजिकली हैंडीकैम की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कोलकाता जोन की। दोस्तों कोलकाता जोन में 1519 टोटल सीटों पर 90 जनरल की, 87 ओबीसी की, 82 एससी की, 79 एसटी की और 66 फिजिकल हैंडीकैम की जा सकती है। जम्मू कश्मीर जोन से 460 कुल सीटों पर 85 जनरल की, 83 ओबीसी की, 77 दोस्तों एसटी की और 74 एसटी की तथा 66 कट ऑफ जा सकती है फिजिकली हैंडीकैम की। मालदा जोन से बात करूँ दोस्तों 248 जन सीटों पर 87 जनरल की, 79 दोस्तों ओबीसी की जा सकती है, 75 एससी की जा सकती है, 70 एसटी की और 66 कट ऑफ जा सकती है फिजिकल हैंडीकैम की। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुंबई जोन में दोस्तों 1544 कुल सीटों पर 90 सीटें जो है 90 कट ऑफ जा सकती है जनरल की, 85 एससी ओबीसी की, 80 एससी की, 78 एसटी की जा सकती है दोस्तों, इसी के साथ 71 फिजिकल हैंडीकैम की जा सकती है। रांची जोन से 365 सीटों पर जनरल की 91, एस ओबीसी की 286 और हम बात करते हैं एससी की 271 और एसटी की 79 कट ऑफ जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं तो फिजिकल हैंडीकैम की 68 तक कट ऑफ जा सकती है। चलिए दोस्तों पटना जोन की देखें तो 299 कुल सीटों पर 90 सीटें जो 90 कट ऑफ जा सकती है जनरल की, काफ़ी कम सीटें थी, कॉम्पिटिशन भी दोस्तों रहता है, तो 87 ओबीसी की, 81 एससी की, 76 एसटी की और 67 फिजिकल हैंडीकैम की। सिलीगुड़ी जोन से कम सीटें थी 195 पे, मगर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, यानी कि 88 जनरल की, 84 ओबीसी की, 79 एससी की और 74 एसटी की जा सकती है, इसी तरह से 68 कट ऑफ जा सकती है दोस्तों फिजिकल हैंडीकैम की। मुजफ्फरपुर से 114 जनरल की, 114 टोटल सीटों पर 92 कॉम्पिटिशन दोस्तों कम सीटों पर रहता है, लोग सोचते हैं तो 92 जनरल की, 88 ओबीसी की, 87 एससी की, 79 एसटी की और 74 फिजिकल हैंडीकैम की। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो दोस्तों 137 सीटें पे 88 आपका मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 88 जनरल की कट ऑफ, 82 ओबीसी की, 77 एससी की, 75 एसटी की और 71 फिजिकल हैंडीकैम की। इसी तरह लास्ट सिकंदराबाद जोन में दोस्तों 789 ज़्यादा सीटें थी, 91 जनरल की कट ऑफ, एससी की 87, ओबीसी की 87, एससी की 80, एसटी की 77 और फिजिकल हैंडीकैम की 72 जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कटिंग थी कि आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 से 5 नंबर ऊपर रह सकता है। ध्यान रखें आपकी जो भी कमेंट हो दोस्तों, आपको लगे अच्छी कमेंट है, जो भी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसके साथ आप अपने नंबर जरूर भेजें ताकि इसके आगे भी हम अपना सर्वे बना सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।